अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुल्क खाली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खाली टीवी। तो उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक तमाम मेरे दोस्तों को अच्छी सेहत अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़ अमान के अंदर रखे। तो आज फिर आवाज जो चैनल पर आने से पहले बात की जाती है कि जो दोस्त चैनल पर नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की फॉर्मेटिव वीडियो तक बर्बाद पहुंचे। दोस्तों फॉरएवर सर्वर के ऊपर फिर से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपको आगाही देता हूँ कि फॉरएवर सर्वर का रिचार्ज जो है वो थोड़ा सा अपने पुराने रेट्स के ऊपर जाना शुरू हो गया। हाल ही में ये काफ़ी नीचे उतरा था और हम लोगों ने काफ़ी डिस्काउंट्स ऑफर भी लगाई, ठीक है। उसमें बहुत सारे रिचार्ज भी हम लोगों ने किए लेकिन अब डिस्काउंट्स ऑफर सारी हट गई हैं, ठीक है। जो फॉरएवर सर्वर का अपना जाती रिचार्ज है वो आप पीछे बैक हटना शुरू हो गया, ठीक है। आज ही तकरीबन 2 बजे के लगभग मैसेज आया है कि आप तमाम तर कंपनीज के कार्ड्स के अंदर फर्क डाल दिया गया है, ठीक है। एक अलग से स्कीम डाल दी गई है फिर से, ठीक है। अब जो है जो सिंपल रिचार्ज था 3550 रुपए के अंदर आ रहा था, ठीक है, वो 3700 रुपए पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस हिसाब से जितने पैकेजेस थे जितने भी पैकेजेस थे वो सारे अब थोड़े से दूर निकल गए हैं, ठीक है जी। VIP का पैकेज हो, रशियन हो या स्काई इटालिया हो, SP1 हो, SP2 हो, ठीक है जी। उसके बाद जो है रशियन का जो पूरा एक पैकेज जाता था VIP के अंदर वो बहुत ज़्यादा दूर निकल गया, ठीक है जी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार रेट्स के अंदर फर्क आ गया, ठीक है। अब वो सिंपल रिचार्ज भी जो कहते थे ना कि हमें ठीक है 2 नंबरी वाला रिचार्ज ही करके देते हैं, अब वो आ गया, ठीक है। मजबूरी ये बन गई है कि आप लोगों को जी समझा रहा था, आप लोगों को बचा रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी हमें 1 महीने का करके दें, हमें 20 दिन का करके दें। आप बोले ना 1 महीने का मैं आपको करके दे दूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन 1 महीने का रिचार्ज आपका 700 रुपए का होगा, ये याद रखिएगा। उसके कम आपका फॉरएवर सर्वर का रिचार्ज नहीं होगा, ठीक है जी। आप इसको तसल्ली करें, आप चला लें 1 महीना, आपको लगे कि यार ये ठीक है। उसके अंदर अगर 1 महीने से पहले कभी बंद हो जाता है, मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं उसकी कोई कंप्लेन नहीं सुनूंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ उस चीज का मैं कोई नॉलेज और उसके कोई हम लोगों को उसका एक्सपीरियंस कोई नहीं है। जस्ट सुना हुआ है कि वो लाइन बंद हो जाती है जी, ठीक है, और उसके हजारों नहीं लाखों केसेस देखे, ठीक है। और ये गारंटी वाली बात है, उनका वेबसाइट पूरा विजिट किया है, वहां से उनकी इंफॉर्मेशन उठाई है क्या किस तरह से वो लोग काम करते हैं, किस तरह से वो लोग रिचार्ज करके देते हैं। वो सारा रिचार्ज बिटकॉइन के जरिए कर रहे हैं और बिटकॉइन वो आधी हाफ पेमेंट पहले उन्होंने क्यू दी है, कुछ सेकंड टाइम रहता है तो वो पेमेंट नहीं करते, रिचार्ज तो वहां से क्लियर हो जाता है क्योंकि वो कंपनी के पैसे मार लेते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि वो थोड़े टाइम चल के जितना कंपनी को लगता है कि इतना पे किया हुआ है इतना चल के वो काम करता है, ठीक है, फिर पीछे से बंद हो जाता है, फिर आप कंप्लेन कर रहे होते हैं हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। तो मेरा आकाम बनता था कि आप लोगों को बता दूँ कि जनाब जो है वो फॉरएवर सर्वर साहब वापस अपनी जगह पर शिफ्ट हो गए, ठीक है जी। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, वो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, ठीक है। आप फॉरएवर सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, ठीक है जी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बरवा पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।